हाँ भाई, आज मैं मौजूद हूँ करीमाबाद में, और करीमाबाद में अली जन्नत वाला जिसका काफ़ी मशहूर और बिल्कुल यूनिक चीज़ एक आई है जो कि अंडा गुडाला। अंडा गुडाला नॉर्मल होता है जो कबाब वगैरह का बनाते हैं, लेकिन ये कीमे के अंदर बनाते हैं, बहुत आला है इनका, बिल्कुल हटके। क्योंकि मैं तो कोशिश यही करता हूँ आप लोगों को वो चीज़ दिखाऊँ जो बिल्कुल हटके। ये अंडे पे अंडा मार के तोड़ा, क्या बात है। बनाते हुए देख के तो बहुत मज़ा आ रहा था। आला, जब मैं आला कहता हूँ तो फिर समझ जाए करें कैसा होगा, आला हो गया। मेरे आगे हाथ आते हैं ना, यार हर बाइट के ऊपर नया टेस्ट आ रहा है। कैसे होगा? दिखा 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 सब कुछ ही डाल दिया। स्पेशल में स्पेशल कटाकट है, स्पेशल चपली बर्गर है। ये जो हमने खाया है ये क्या था यार? ये कटाकट है, कीमे का कटाकट है स्पेशल। इसमें क्या क्या डलता है? ये कीमा डलता है, अंडे वगैरह डलते हैं, सब कुछ। ये कितने की प्लेट है? ये हाफ 150 की, फुल 200 रुपए। हमने जो खाई है वो फुल थी जी, वो। और उसके साथ जो बन होते हैं इसके क्या प्राइस है? वो अलग से चार्जेस होते हैं। अच्छा जी, और ये अपनी लोकेशन बता दें। ये भाईजान करीमाबाद मीना बाजार यूनाइटेड बेकरी वाली गली। और टाइमिंग 12 से 12। आला भाई, ये थाली है, क्या आला चीज़ है, बिल्कुल हटके है, बड़ा मज़ा आया। अच्छा, अंडा गुडाला जो नॉर्मल होता है वैसा नहीं है, कीमे के अंदर अंडा गुडाला था, इसके अंदर कोई कबाब वगैरह नहीं था। चपली के अंदर जो कीमा वगैरह यूज़ होता है वो आला था, बहुत आला था, बनाया भी इसने बहुत आला, देखने में दिल चाह गया था। खैर, इसकी लोकेशन बता दूँ, करीमाबाद के जो बोले वहाँ से, जब आप करीमाबाद इसको क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंग है ना, यूनाइटेड किंग वाली गली से जैसे ही आएंगे उसके सामने अल जन्नत बन कबाब वाला है, बहुत आला है, आइएगा। और है भी सस्ता, ज़्यादा महंगा नहीं है, 200 रुपये का, लेकिन बहुत आला है। पार्सल वार्सल नहीं है, आगे खाना पड़ेगा, फैमिली हॉल भी है, अंदर बैठ के सब चल रहा है। कभी आए ना शॉपिंग करने के लिए मीना बाजार तो यहाँ आके खा लिएगा, दुआएं देंगे। थैंक यू।